YouTube फैमिली, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अब ब्लॉग में बने रहिए, इसकी बिल्कुल ना करें, ब्लॉग को पूरा देखें। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पार्लर, कल है करवा चौथ, तो अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगवाई जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पार्लर जा रही हूँ, पहले मैं पार्लर से होने के बाद फिर मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी। तो अभी चिंटू स्कूल से आ चुकी है, दादाजी उनको लेकर स्कूल से आ गए हैं, और आदित्य अभी स्कूल से नहीं आए हैं। तो पहले मैं आदित्य को स्कूल से लाती हूँ और उसके बाद फिर पार्लर चलेंगे। तो आप ब्लॉग में जुड़े रहें, इसकी बिल्कुल ना करें, ब्लॉग को पूरा देखें। और एक चीज़ और भी अब मुझे आपको बताना था कि गाइस ये मेरा जो है दूसरा करवा चौथ है, पिछला साल ही मैंने उठाया था। मेरे यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, तो बहुत लोग करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से कि मैं भी करवा चौथ करूँ। तो हर साल मैं बोलती थी हस्बैंड को कि मैं इस साल उठा लेती हूँ, तो बोलते थे कि होता ही नहीं तो क्या करोगी। फिर मैंने सोचा कि मैंने पूछा सबसे, तो सबने बोला कि करना चाहती हो तो ठीक है कर लो। तो मेरी छोटी वाली जो नंद है, जो मेरी छोटी वाली सास है, उनकी लड़की जो है, उन्होंने कहा कि हाँ भाभी करो, आप इतना सारा त्यौहार करती हो तो ये भी करो, क्योंकि सुहागन का व्रत है, इसमें क्या करना है, सभी करते हैं, आप भी करो। वो करती हैं ये व्रत, तो मैंने पिछला साल ही उठाया था। मेरी एक फ्रेंड ने भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि नहीं आप करो, से करना चाहिए, सुहागन का व्रत है। और मेरा तो बहुत सालों से मन था कि मैं करवा चौथ करूँ, तो मैंने पिछला साल ही उठाया था। और पिछला साल आप सोच नहीं सकते हो, इतना प्रॉब्लम हुआ चांद के देखने में, इतना बारिश हो रहा था कि हमें लगा कि अब चांद हम नहीं देख पाएंगे, कैसे व्रत खोलेंगे, और बिना चांद के देखे व्रत भी नहीं खोल सकते हैं। तो पिछला साल जो मेरा व्रत था वो पुराने घर पे ही था, और इस साल मैं करवा चौथ अपने नए घर पे करूंगी, न्यू होम में। तो पिछला साल जो हमारे पड़ोसी वगैरह थे वो बोल रहे थे कि व्रत कैसे खोले, बच्चे कई बार छत पे जाके देख आए थे, कभी चांद निकला, बिल्कुल चांद कहीं नहीं दिख रहे थे। अब हमें लगा कि आप तो वो लग रहा है कि आज व्रत नहीं खुलेगा, कल ही रात में खुलेगा। तो फिर कई लोगों ने फिर पंडित जी से बात किया, तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अब व्रत कैसे खुलेगा। तो पंडित जी ने कहा कि वही 10 बज रहा था रात का, 10:30 बज रहा था। तो पंडित जी ने फिर कहा, मेरी पड़ोसी ने ही कॉल किया था, तो पंडित जी ने फिर कहा उनके गांव से कि यहाँ तो चांद नज़र आ रहा है, ऐसे ऐसे करो कि किसी को वीडियो कॉल कर लो और वीडियो कॉल में चांद देख लो, फिर तुम लोग अपना व्रत खोल लो। तो फिर ऐसे करके हमने व्रत खोला था, और खुद भी खोलना फिर सही नहीं था, अब हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे व्रत खोलें। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग किए थे, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत सारे लोग ऐसे ही व्रत खोल रहे हैं, फिर हमने ऐसे करके व्रत खोला था। तो अगर पिछला करवा चौथ का ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो अभी ज़रूर देखें, लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके मेरा ब्लॉग देखें, उस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दें, इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दें। तो कई सब चलते हैं हम पार्लर, पहले तो आदित्य को स्कूल से लाते हैं क्योंकि टाइम हो गया, पापा उनके गए हैं ऑफिस, अगर वो होते तो वो ला देते हैं, लेकिन मुझे ही आज लाना पड़ेगा क्योंकि छोटी वाली बाबू को तो दादाजी लेके आ गए हैं, तो बार बार तो वो भी नहीं जा सकते हैं, थक जाते हैं एक बार में ही। तो मैंने बोला ठीक है मैं ही ले आऊँगी, या पापा होते तो वही ले आते हैं, तो आज उनका ऑफिस था तो ऑफिस चले गए हैं। तो पहले आदित्य को स्कूल से ले आते हैं, और लाने के बाद खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं जाऊँगी पार्लर। मैंने सोचा था कि ऑनलाइन ही बुक कर लेती हूँ, घर पर बुला लूँगी। जब मैंने बुक किया तो वहाँ पता चला कि आज के डेट में तो कोई बुकिंग, मतलब बहुत सारा बुकिंग है, आज की डेट में मेरा बुकिंग नहीं हो पाएगा, कल का डेट मिल रहा था तो कल तो हो ही नहीं पाए क्योंकि कल तो बर्थ है और काम वगैरह भी होता है घर पे, कल बच्चों के स्कूल भी, आज भी स्कूल था कल भी स्कूल है, छुट्टी तो है नहीं, संडे की छुट्टी होता है। तो हमने सोचा कि फिर हमने वहाँ से फिर कैंसिल कर दिया, कल का डेट मिल रहा था तो कल डेट, फिर कल बुक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब फिर मैंने जो हमारे नज़दीकी जो पार्लर वाली है तो उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने फिर बोला कि हाँ 2:30 बजे आ जाना, तो बच्चों के स्कूल से लाने के बाद फिर मैं जाऊँगी। और मैंने अभी तक मेहंदी भी नहीं लगवाई जैसे कि आप देख सकते हैं, तो पार्लर से होने के बाद फिर मेहंदी लगवाने में जाऊंगी। तो ब्लॉग में जुड़े रहें, ब्लॉग को इसकी बिल्कुल ना करें, ब्लॉग को पूरा देखें। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगता हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दें। और गाइस कल आएगा करवा चौथ का ब्लॉग, तो उस ब्लॉग को मिस ना करें, उस ब्लॉग को भी पूरा देखें। और पिछला करवा चौथ के जो ब्लॉग है तो मैं लिंक आपको दे दूँगी, उस ब्लॉग का भी देखें। तो गाइस अभी चलते हैं बच्चों को लाने के लिए स्कूल, और स्कूल से लाने के बाद फिर मैं पार्लर चलूँगी। तो हमारे ब्लॉग में जुड़े रहें, इसकी बिल्कुल ना करें। तो चलिए पहले चलते हैं हम बच्चों के लाने के लिए। तो गाइस बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैंने घर पे छोड़ दिया है, और घर छोड़ने के बाद अब मैं पार्लर जा रही हूँ क्योंकि फेसियल वगैरह मुझे करवाना है करवा चौथ के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर, और यहाँ पर मेरा हो रहा है पेडीक्योर।
तो फ्रेंड मैं वही 2:30 बजे करीब मैं पार्लर पहुंची थी। तो सबसे पहले मेरा जाते ही पहले मेरा ब्लीच हुआ। ब्लीच होने के बाद फिर मैंने फेसियल करवाया, और फेसियल करवाने के बाद फिर मैंने हैंड वैक्स करवाया, और उसके बाद लेग वैक्स करवाया। तो उतना सारा वीडियो शूट नहीं हो पाया है क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं था, इसलिए जितना हो पाया मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया। तो आप मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे हाथों का मैनीकेयर हो रहा है, पैरों का पेडीकेयर हो रहा है। तो गाइस इस ब्लॉग में जुड़े रहें, ब्लॉग को स्किप बिल्कुल ना करें, ब्लॉग को पूरा देखें। फ्रेंड फेसियल वगैरह होने के बाद पेडीक्योर मैनीक्योर भी हो गया है मेरा, और नेल पॉलिश वगैरह पार्लर वाली ने मुझे लगा दी है। अब मैं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7 और मैं आ गई हूँ घर पार्लर से। तो पार्लर वाला सारा काम हो गया और मैंने मेहंदी भी लगवा लिया, कल तक कलर आ जाएगी। अब घर में काम वगैरह था, मैंने मेहंदी फिर हटा ली। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और मैंने चाय बना ली है, और ये है हमारी चाय। तो मैं चाय पी के अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दें, और कल आएगा करवा चौथ का ब्लॉग, तो वो ब्लॉग भी ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग यहीं तक, बाय बाय।